नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये घोघटिया से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, और अपडेट ये है कि घोघटिया में जो सरकारी अस्पताल था उसको जो है वहाँ के वाहन मंत्री शीला मंडल अपने गांव यानी कि बेलहा गांव लेकर जाना चाहती है। उसी के लिए जो है यहाँ पर मार्च निकाला गया है, यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएँ हैं और पुरुष है, सभी जो है मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं। हॉस्पिटल को वहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए वो जो है वाहन मंत्री बेलहा गांव जो है अपने गांव ले जाना चाहते हैं, इसी को लेकर के यहां पे आंदोलन है। ये वीडियो आप बिरजू ठाकुर की मदद से देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट आपको दिखा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो पर और पूरा वीडियो को देखिए कि क्या सब हो रहा है वहां पर, किस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, जिसके लिए जो है यहाँ पर लोग काफ़ी भारी मात्रा में उमड़ करके आए हैं। तो देखिए ये बिरजू ठाकुर की ये रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर जो वाहन मंत्री है शीला मंडल, उनके खिलाफ़ जो है किस तरह से मार्च निकाला गया है, और यहाँ पर लोग जो है मार्च निकाले हुए हैं। घोघटिया की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी घोघटिया की कुछ अपडेट, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र करने के लिए वाहन मंत्री वहाँ के जो है शीला मंडल वो अपने गांव बेलहा गांव लेके जाना चाहती है, उसी के बारे में ये मार्च निकाला गया था। और ये आज की ताज़ा तस्वीर देख रहे हैं बिरजू ठाकुर के माध्यम से, बिरजू ठाकुर ने हमसे ये वीडियो शेयर किया है। देखिए किस तरह से मार्च जो है निकाला गया है, लगातार जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। इन लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल को, इतना पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ से हम जाने नहीं देंगे, और जो वहाँ के वाहन मंत्री है वो अपने गाँव बेलहा गाँव लेकर के जाना चाहती है। शीला मंडल मंत्री है वहाँ की, वाहन मंत्री, वो जो है अपने गांव लेकर जाना चाहती है। तो देखिए किस तरह से भीड़ जो है उमड़ी है, लोगों का हुजूम निकल पड़ा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कहीं भी जो है कोई हॉस्पिटल या किसी तरह की चीज़ मिलती है, लेकिन उसको जो है वहाँ से हटाया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जो है मार्च निकाली गई है। जो वाहन मंत्री है वो जो है अपने गाँव लेकर जाना चाहती है। तो दोस्तों इस अपडेट में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस।